अस्सलाम वालेकुम। तो देखने वाले तमाम दोस्तों, भाइयों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आज पोलिंग डे है, इलेक्शन डे है 8 फरवरी, तो हम जी बिल्कुल हमारे घर के सामने है पोलिंग स्टेशन, तो हम ज़रा चलते हैं आज वोट डालते हैं और देखते हैं क्या हालात है लोगों के, किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको साथ साथ इंगेज भी रखते हैं। ये है जी हमारे घर के सामने बिल्कुल स्कूल, और ये है इसके साथ पोलिंग स्टेशन। सब बाहर खड़े हैं, टीमें, लड़के, मैं भी ज़रा जा रहा हूँ और फिर आपको साथ दिखाता हूँ। फिर आपने आखिरी वाला यूं, ठीक है, वो आपके यूं हो जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब का वो बना हुआ, शेर का बना हुआ है। अच्छा जी, ये आपका हो गया। फिर आपका जो शेर वाला है वो डॉक्टर साहब के नाम के साथ आ जाए, ताकि अच्छा वो रह नहीं होगा। आखिरी वाला आपने शेर से बिल्कुल उल्टी करके लगा दी। हमने देखे आपको, इसीलिए सिग्नल बंद करा के दिए, फोन कोई ना मिलाए, इलेक्शन आप आसानी से जीते। हाँ जी, 50-10 और आपको क्या चाहिए? 70-500 टाउन। ये जी हमारे वकार कुरैशी साहब है, ये पूरा ये यहाँ पे वोट बना के दे रहे पर्चियाँ, ताकि लोग जाके, ये सामने स्कूल है, यहाँ पे वोट वोट को इज्जत दो। लाल कृष्ण साहब, वोट को इज्जत तो मिल चुकी है आज, वैसे सिग्नल बंद होने के बाद। तो देखा हमने मुल्क के वसी तर मफाद में जो है बंद कर दिए। पर्ची बनाए ना यार मेरी, आपकी सुपारी रहूं? सुपारी ना ले आप, मेरी पर्ची बनाए। ये जी अभी हमारी पर्ची बन रही है, उसके बाद हम जाएंगे वोट पोल करेंगे। डॉक्टर सिकंदर मिर्जा। हाँ जी, आओ जी। ये जी हमारी इस टाइम पर्ची बन चुकी है और हम जरा चलते हैं वोट डालने के लिए, और आपको बाकी भी जो ऑफिसेज बने हुए हैं वो भी विजिट कराते हैं। ये जी हम अब वोट पोल करके आ गए, हमने पहले पर्ची बना के जा रहे थे। ये हमारा सामने ऑफिस था और ये हमारे अंगूठे का निशान है। और सजवे किसको वोट दिया आपने? शेर, शेर, इंशाल्लाह शेर। ये जी इस टाइम नॉन लीग का इलेक्शन ऑफिस है, और अभी हम जा रहे हैं पीटीआई वालों की तरफ, उनकी चल के बना। ये जी पीटीआई वालों का इलेक्शन ऑफिस है, ये यहाँ पे पर्चियाँ बना रहे हैं। तो मैं अभी अपनी वोट पोल करके, बाकी घर वालों की वोट्स मरी हैं, तो अब हम जा रहे हैं जी। मरी गाड़ी हमारी खड़ी है बस, और अभी बाकी वोट्स हम जाके मरी पोल करेंगे, और आपको वहाँ का दिखाएंगे कि पोलिंग स्टेशन पे क्या पोजीशन होती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने अपने गांव में वोटें डालने जा रहे हैं। देखें आप, तो ये भी आगे कोई पोलिंग स्टेशन है, ये देखें इस पे भी बड़ी तादाद में लोग इस टाइम बाहर रोड के ऊपर। ये बड़ा फायदा है बस उस लॉन्ग जीतेगा तो नवाज शरीफ ही ना जी, सारे नॉन के हैं ये देखो। हाँ, यहाँ तो वैसे भी नॉन लीग का ज्यादा जोर है ना जी। सदाकत साहब सलखेतर। ये जी हम इस टाइम अपनी यूनियन काउंसिल शहर बगला में पहुंच चुके हैं, और ये अब हम दिखा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं वोट पोल करने। लाइंस लगी हुई हैं नीचे से, और ये सब लोग वो हैं जो वोट पोल करने आए हैं। ये पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं यहाँ से पर्चियाँ बनवा रहे हैं, और यहाँ से नीचे जा रहे हैं। ये देखे सामने ही स्कूल है, नीचे पोलिंग बूथ्स बने हुए, वहाँ पर सब लोग अपना अपना वोट पोल करेंगे और वापस आएँगे। तो ये जी काफ़ी एक पीटीआई के ग्रुप में बहस चल रही है। तो ये हमने आपको आज बताना था, तो ये गांव का हमने पोलिंग स्टेशन आपको दिखाया,
और अब हम चलते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीलॉग और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हैं, पसंद आया है, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।